शरीर का बन गया निशाना, आखिर देखो रघुवीर का कर सकाना सामना जब उनके तीर का। हाय लखन हाय लखन वचन था आखिर का। तो कहा कि प्राण पखेरूड़े मामा मारी के। बाबा कहा प्राण पखेरूड़े मामा मारी के। तो रघुवर ने तीर मारा पर कस से काला मृग छाला मारा खींच और रघुवर ने तीर मारा तरकस से खींच पटक पटक मारा उसे आसन से खींच गर्दन उतारा तेग म्यान से है खींच के। बहुत बढ़िया पंक्तियां लगी थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया उन पे। कोई बात नहीं, कटपीस मैंने बहुत बढ़िया दिया। मैंने कहा सब जब सब कुछ दे चुके हो तो क्या दान करोगे। मैंने कहा अगर रावण शरणागत हो गया तो क्या करोगे। चलिए कोई बात नहीं, चलो मां के डालो। कि कहीं देखा नहीं ऐसा किसी भी साज का जादू कि मेरे दिल को लुभाता है तेरे अंदाज का जादू। कि कहीं देखा नहीं ऐसा किसी भी साज का जादू मेरे दिल को लुभाता है तेरे अंदाज का जादू। कभी तो चंद लम्हे सुनते सुनते सो जाती हूँ, कभी तो चंद लम्हे सुनते सुनते सो जाती हूँ और कभी सोने नहीं देता तेरी अंदाज का जादू। बहुत बढ़िया गीत आपकी तरफ से आया है, बहुत बढ़िया। इसको फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। आइए गीत बज रहा है कि जब से गए हैं मेरे पिया परदेश में We'll be right back.
सैया बना लीजिए। बहुत बढ़िया बात आपकी तरफ से आई है। आपने कहा है, अरे भैया जी से सैया छुड़ा लीजिए, भैया जी से सैया छुड़ा लीजिए। बहुत बढ़िया बात है। आइए जवाब की पंक्तियां सुनेगा। तज के छुड़ा लीजिए। ये आपकी तकदीर का यथाशक्त प्रयास। आइए, गीत बहुत बढ़िया आया है आपकी तरफ से। बहुत बढ़िया फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। गीत कह रहा है कि कोई सजा दे Thank you.
मेरे जीवन में कैसी मज़
बात है। लेके प्रभु जो अवतार आ जाए, अरे लेके प्रभु जो अवतार आ जाए, और मेरे दिल को करार आ जाए। अरे मैं जो वर लो बाहर आ जाए, मेरे दिल को ये 51 रुपए आप दोनों की तरफ से आए हैं, जोड़ी बनी रहे हमेशा। और भैया लिख रहे हैं कि फागुन मास चल रहा है, वो भी होगा, होली का एक गीत होना चाहिए, चलिए आपको सुनाएंगे अगले राउंड में, अगले राउंड में, अगले राउंड में। अब जब इतनी बात माँ वैष्णो ने कहा तो देखिए भगवान श्री राम भी कुछ कहने लगे। क्या कलयुग में सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं देखिएगा। जिनके द्वारा हम लोग यहाँ पर आए हैं, आज कीर्तन इस मंच पे कर रहे हैं। दादा ने एक बात हमसे कही थी, बिटिया थोड़ा जल्दी आ जाना, लेकिन जल्दी आ गए, लेकिन थोड़ा रास्ता गड़बड़ मिल गया था, इससे देर हो गई थोड़ी। निखार आ जा,
फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है।
आइए अपनी बात आपको बता रही हूँ। कि घायल अवस्था में वो कर्णवीर था पड़ा, सोना दान कीजिए। तो बोला है कर्ण दाया है श्रीमान कीजिए। वो पत्थर लाइए अपना देर लगाइए, वो पत्थर लाइए अपना देर लगाइए, रातों में मेरे सोना तोड़ लेकर जाइए। Thank you.
इसका एक अंतरा बदला हुआ है बड़े भैया, सुनिएगा कैसे। तो हुआ सबल दुर्गा
भी वहां था। कल ने कहा कि जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया तो मैं भी वहां पर था, लेकिन मुझे निशाना लगाने से रोक दिया गया और कहा कि तू नीच जाता है। उसी समय मुझे कर्ण ने अपना, कन्हैया ने मुझे अपना मित्र बना लिया। तो देखिए हुआ क्या, दुर्योधन ने मित्र बनाया तो उसने मुझे अपनाया, उसने मुझे अपनाया तो अंग देश का राजा बना, उसने मनाया कैसी चलाना। तो देखिए हुआ क्या, जहां किसी का हो जलाया वहां मेरा सो के सो जलाया, जहां किसी का सो हो जलाना वहां मेरा सौ केसो जलाना। तो मांगू यही नजराना, कहा मांगू यही नजराना, तो मांगू यही नजराना तो सदगति पाए नजराना सागर मेरा की लाश जलाई, क्योंकि दाहिनी हथेली से वो राजा बलि से दान ले चुके थे। इसलिए कहना कि सदगति पाए Oh,
ये बड़े भैया पीयूष यादव एडवोकेट आपकी तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं हैं, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी। आइए एक छोटी सी कटपीस आपके लिए है, आइए गीत बज रहा है कि अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से, छूने पाव आया किंतु ना हो पा सका, आप
तीनों जने। अब देखिए पंत क्या कह रही है, वही पूर्व जन्म का बछुआ केवट बना और कहने लगा कि मांगी नाम न केवट आना, मांगी नाम न केवट आना, कहे तुम्हार मरम मह जाना। अब आइए देखिए गीत सुनिएगा। ये पैर नहीं पाया नाथ पैर पैर के, उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति आप उनके अध्यक्ष हैं, भैया को नमन वंदन करते हो और भैया आशीर्वाद की जाता हमने आपसे जरूर कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश कीर्तन उत्थान समिति अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया श्री राजू यादव जी, क्या बात है, आप भी यादव हम भी यादव, जोड़ी एक है। अरे बड़े भैया बी एल शर्मा जी और बड़े भैया सुशील, भैया सुशील दीक्षित जी और बड़े भैया नीलेश ज्वाला जी, जो एक साथ बहुत अच्छे कीर्तनकार भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है और आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगी कि बिटिया को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो बोले भगवान को पगले और आप सभी लोग जरा दोनों हाथों को ऊपर उठा के जोर से जयकारा लगाइए दरबार की। इधर से कुछ लोग नहीं उठा रहे, थक गए।
बोली सच्चे दरबार की, बोली भोले बाबा की, माता पार्वती की। आइए बड़े भैया आ रहे हैं। बोले